बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने एडवर्टाइजमेंट नंबर 9 अनाउंस किया है। याद रहे कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन वफाकी कमीशन का इदारा है, जो पूरे पाकिस्तान के लिए जो कमीशन के जॉब्स है उनकी भर्ती करता है। और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की एक और बात ये बहुत ज़बरदस्त है कि हर महीने का जो पहला वीकेंड आता है उस पे इनका अक्सर एडवर्टाइजमेंट अनाउंस होता है, तो हर मंथ इनकी वैकेंसी आती है। और इस जो एडवर्टाइजमेंट है इसमें बेहतरीन वैकेंसियाँ आई बी की आई हुई है। वैसे भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए वैकेंसियाँ हो, मगर जो सबसे बेहतरीन वैकेंसियाँ है वो असिस्टेंट डायरेक्टर आई बी की वैकेंसियाँ है, जो एक बेहतरीन जॉब है जिसमें एक अच्छा फ्यूचर है। अप्लाईज़ के लिए ऑनलाइन होती है, सबको पता है, 300 रुपये नेशनल बैंक में जमा करते हैं और एपीएससी के वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन अप्लाई करते हैं बस, और फिर ऑटोमेटिकली रोल नंबर रिसीव होता है जब साल बाद जब टेस्ट कंडक्ट होता है। लास्ट डेट 22 नवंबर है अप्लाई का। एसोसिएट प्रोफेसर वाइस प्रिंसिपल फीमेल की वैकेंसी आई है BPS 19 की, और इसके लिए रिक्वायरमेंट ये है कि अगर आपने PhD की है तो आपको 8 ईयर आपके पास एक्सपीरियंस हो, मतलब आपने 8 साल पहले PhD की हो, फिर जॉब भी साथ किया हो, और अगर MPhil किया हो तो फिर 10 ईयर आपने पहले MPhil कंप्लीट किया हो, मतलब 2011 से पहले आपका MPhil हो, और अगर मास्टर किया है तो 2009 से पहले होना चाहिए। अगर आपके 2009 से पहले मास्टर है और फिर रेगुलर आपकी जॉब है तो आप एलिजिबल है BPS 19 के लिए। इसमें वैकेंसियाँ आई है बायोलॉजी के है, केमिस्ट्री के है, कंप्यूटर साइंसेज, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, उर्दू, ये सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं। बाद में ये डिस्ट्रीब्यूट होते हैं कि किस कोटे पे किस सूबे को कौन सी सीट मिलती है। टोटल 14 वैकेंसियाँ है। मेरठ पे 1 है, पंजाब से 6 है, सिंध रूरल 3, KPK से 1 है, बलूचिस्तान 2, AJK से 1 है, और पोस्टिंग इस्लामाबाद में होगी, ये अच्छी बात है इसकी। और असिस्टेंट डायरेक्टर की वैकेंसियाँ है, जिसके लिए मैं वीडियो बनाने पे मजबूर हुआ। ये असिस्टेंट डायरेक्टर परमानेंट फेडरल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की वैकेंसियाँ है, ये IB में होती है। मिनिमम क्वालिफिकेशन सिंपल मास्टर सेकंड डिवीजन है आपकी, मास्टर सेकंड डिवीजन और इक्विवेलेंट, और एज लिमिट 35 ईयर्स तक है, और नंबर ऑफ वैकेंसियाँ जो है टोटल 50 वैकेंसियाँ है, जिसमें मेरठ पे 3 है पाकिस्तान से, पूरे मेरठ पे, और पंजाब से 24 है, फिर सिंध रूरल से 6 और सिंध अर्बन से 4, KPK से 6 वैकेंसियाँ है, जिसमें टोटल 4 वैकेंसियाँ ओपन है और एक फीमेल का और एक माइनॉरिटी का कोटा है, मतलब टोटल 4 वैकेंसियाँ समझ ले, और बलूचिस्तान 3 वैकेंसियाँ, और एक्सपाटा से भी 2 है, GB से 1 है, और AJK से भी 1 है। इसकी जो टेस्ट का प्रोसीजर होगा वो पहले MCQs का एक टेस्ट होगा, जिसमें 100 MCQs होते हैं। 100 MCQs बहुत ईजी होते हैं क्योंकि बहुत इनने कोई सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किए होते हैं। 120 इंग्लिश के आते हैं, जिसमें 10 वोकेबलरी होगी और 10 और जनरल कॉमन सा सलेबस होता है, सेंटेंसेस करेक्शन होते हैं, ग्रामर होता है, और 20 मैथमेटिक्स होंगे, 20 इसमें करंट अफेयर और 20 इसमें पाकिस्तान अफेयर के 10 होंगे, इस्लामिक स्टडी के भी 10 होंगे, और 20 एवरेज साइंस के होंगे। इस तरह कोई टेस्ट होता है। उसके बाद अगर उसमें आप 1:8 से क्वालिफाई करते हैं, आपने अपने जो सूबा है उनसे कंटेस्ट करना है, उसमें अगर आपके 10 वैकेंसियाँ हैं तो आपने टॉप 80 जो आपके सूबे में टॉप 80 बंदे हैं उनमें से आपने आना है, 1:8 के हिसाब से आपने पास करना है। टॉप 1:80 को नेक्स्ट टेस्ट के लिए बुलाएंगे, तो नेक्स्ट टेस्ट इंग्लिश का होता है, सही टफ इंग्लिश का टेस्ट होता है। अगर आपके इंग्लिश पे सही कमांड नहीं है तो आप वैसे एक्सपीरियंस के लिए दे सकते हैं, मगर आप सिलेक्शन के लिए नहीं दे सकते। इंग्लिश इसके लिए बेहतरीन तैयारी चाहिए। अगर आप अभी भी कर सकते हैं स्टार्ट तो आप कर ले, टाइम बहुत ज़्यादा है इसके, इंग्लिश के पेपर में 1.5 साल लगेगा। तो इंग्लिश का पेपर होगा और वो 50% से पास करना होगा, और जो 50% से वो लोग जितने भी कैंडिडेट पास कर लेते हैं उनके बाद साइकोलॉजिकल एग्जाम होगा और इंटरव्यू होगी। असिस्टेंट डायरेक्टर परमानेंट फूड डिपार्टमेंट गिलगित बल्तिस्तान की वैकेंसी है, ये सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान वालों की ये है। अकाउंट अफसर की वैकेंसी है, ये भी गिलगित बल्तिस्तान वालों के लिए है। और असिस्टेंट मैनेजर IT के जो वैकेंसी है, ये 2 वैकेंसियाँ है, एक पंजाब से है और एक सिंध अर्बन से है। सिंध वाला वामिन कोटा है, और सिंपल जो मास्टर कंप्यूटर साइंस का कोई भी सब्जेक्ट हो सारे एलिजिबल है। और सिविल सप्लाई अफसर ये भी गिलगित वालों के है, कॉमर्स इकोनॉमिक्स और BBA वाले जो गिलगित से है। और सीनियर टीचर की वैकेंसियाँ आई है,
मास्टर डिग्री इन स्पेशल एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन में एमए या एमएड कोई भी हो तो एलिजिबल है, आर सेकंड क्लास आर ग्रेड सी मास्टर डिग्री आर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विद वन ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन। अगर स्पेशल एजुकेशन के साथ आपका स्पेशल एजुकेशन का डिप्लोमा है आपके पास तो फिर किसी भी सब्जेक्ट में मास्टर ठीक है, और अगर ये नहीं है तो फिर आपके स्पेशल एजुकेशन में मास्टर या एमएड होना चाहिए। ये नंबर ऑफ वैकेंसी 9 है, मेरठ पे 2 है, पंजाब से 3 है, सिंध अर्बन 1, केपीके से 1 और बलूचिस्तान से 1, एजेके से भी 1, इस्लामाबाद के पोस्टिंग है। सेकंड इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग चाहिए, और ये नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है और केपीके से है। एसोसिएट प्रोफेसर फीमेल बायोलॉजी की वैकेंसी आई है, एसोसिएट प्रोफेसर 19 स्केल के होते हैं, अगर कोई सीनियर टीचर है सेम बायोलॉजी में लेक्चरर है तो वो लोग सिर्फ एलिजिबल है इसके लिए जिनके मैक्सिमम मतलब 10 टू 12 ईयर एक्सपीरियंस हो और पंजाब कोटा है। बाकी इसके कोई जनरल इंस्ट्रक्शन है अगर कोई पढ़ना चाहे, और इस एडवर्टाइजमेंट का जो PDF है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन पोर्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से इसको डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फीडबैक से हमें आगाह करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरा पहले वाला चैनल डीमोनेटाइज हुआ है ड्यू टू इनवैलिड क्लिक्स, तो ये नया चैनल है तो इसको सपोर्ट की ज़रूरत है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।